गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाने पर उस वक्त बवाल मच गया जब थाने का हिस्ट्रीशीटर व जिले का टॉप 10 अपराधी और मुख्तार अंसारी के सहयोगी अमित राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी अमित राय के समर्थन में उसे छुड़ाने के लिए गांव की महिलाओं के साथ परिजनों ने थाने का घेराव कर बवाल कर दिया। प्रदर्शनकारियों का बवाल देख पुलिस ने बल प्रयोग कर सभी को खदेड़ दिया। इस दौरान कई लोग चोटिल हो गए जिनमें महिलाएं भी शामिल है। मामले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल करीमुद्दीनपुर थाना इलाके के जो गांव साहिब निवासी अमित राय पर हत्या का प्रयास गैंगस्टर एक्ट समेत 28 मुकदमे दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक करीमुद्दीनपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हिस्ट्रीशीटर व जिले के टॉप 10 अपराधी अमित राय को रात 8 बजे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ग्राम प्रधान का पुत्र भी है, जिसके चलते गिरफ्तारी के विरोध में 100 से अधिक महिला पुरुष करीमुद्दीनपुर थाने पर करीब रात 12 बजे पहुंचे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो वो मारपीट पर उतारू हो गए। इसके चलते पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इसके चलते कई प्रदर्शनकारी चोटिल हो गए, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। सूचना पर क्षेत्र अधिकारी मोहम्मदाबाद भावरकोल बरेसर थाने की पुलिस भी फोर्स लेकर पहुंची। उधर आज सुबह भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ मोहम्मदाबाद न्यायालय में अपराधी अमित राय को पेश किया गया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। वहीं एसपी ओमवीर सिंह ने ये बताया कि पकड़ा गया टॉप 10 अपराधी के खिलाफ बरामद असलहे को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही थाने पर शांति भंग व्यवस्था करने के मामले में 7 से 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके अलावा 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि वीडियो में 7 से 8 लोग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और बाकी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। सर, करीमुद्दीनपुर थाने पर बीती रात कुछ लोगों ने हंगामा किया था और एक अपराधी हैं अमित राय, उनकी गिरफ्तारी के मामले थे, क्या है सर पूरा मामला? करीमुद्दीनपुर क्षेत्र में एक जनपद स्तर का टॉप 10 अपराधी अमित राय, जो पूर्व में मुख्तार अंसारी का भी सहयोगी रहा है, पिछले दिनों इसके अंगद राय के खिलाफ भी एक मुकदमा लिखा गया था एक्सटॉर्शन का। इसका एक प्रकरण में NBW आया हुआ था, पुलिस के द्वारा दबिश दी गई और इसे गिरफ्तार किया गया था। इसके पास से एक लाइसेंसी हथियार भी मिला है, जो बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि वो बिरनो थाना क्षेत्र में चोरी की घटना से लिंक था। जब इसकी गिरफ्तारी की गई तो इसके कुछ परिजन और इसके सहयोगी थाने पे आए थे और उनके द्वारा प्रयास किया गया कि इसको छुड़ाने का। इसके खिलाफ भी सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख कर जेल भेजा गया है और जो इसके परिजन और इसके सहयोगी आए थे उन सब के विरुद्ध भी समुचित धाराओं में और उसमें 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में मुकदमा लिखा गया है और उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ लगभग मुकदमा होगा? एक तो इसी के खिलाफ लिखा गया है जो इसके पास से लाइसेंसी हथियार बरामद हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में, और बाकी जो इसका समर्थन में आके जिन लोगों ने थाना करीमुद्दीनपुर पे शांति व्यवस्था छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया था उसमें करीब 7-8 लोग नामित हैं जो वीडियो में पहचान में आ रहे हैं। अन्य करीब 100-150 लोगों के खिलाफ है, उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। सर, इसके अलावा अगर सैदपुर थाने गाजीपुर से सुशील तिवारी की रिपोर्ट।